अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और ये है डॉक्टर नाजियाज पॉडकास्ट। और इसके अंदर हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ की, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की और अपने आप को खूबसूरत बनाने की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्जिमा। यस। आप थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को एक्सप्लेन कर दें कि ये एक्जिमा है क्या और इसकी किस्में कितनी होती हैं। एक्जिमा को हम आम उर्दू ज़बान में चंबल कहते हैं और ये चंबल की होती है पुरानी ख़ारिश, जिसे एक ही पैच के ऊपर अगर हम मुस्तकिल बुनियादों पे ख़ारिश करें तो वो जगह डार्क हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, ग्रेश होने लगती है और वो स्किन देखें अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो थोड़ी सी थिक होने लगती है, बिकॉज हम कंटिन्यूसली इसको रब करते हैं। इट कैन बी केमिकल रिलेटेड, जो लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, कोई केमिकल का काम, कटिंग, चॉपिंग या इंडस्ट्रीज़ में जहाँ लोग एक्सपोज होते हैं टू द केमिकल्स, वहाँ वो उससे रिएक्ट करते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है कि ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो एक्जिमा को ट्रिगर करते हैं। ये लेकिन खारिश के अंदर ऐसी कौन सी खारिश होती है कि इसे खारिश किए बगैर इंसान को चैन नहीं आता? ये एक इच स्क्रैच साइकिल है। पहले बॉडी पूरा ऐसा एक माहौल क्रिएट करती है ड्यू टू दीज एलर्जेंस जो आपको ऊपर से लगी, आपकी बॉडी ने उनसे रिएक्ट किया। एज अ रिजल्ट जैसे आप रिएक्ट करते हैं तो आपको इचिंग की एक खारिश की जो है वो एक कहना चाहिए सोच आती है और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, अब इस सोच को एक्टिवेट करें और फौरन खारिश शुरू कर दें। चाहे उसके बाद जब आपने खारिश शुरू की तो यकीन करें हाथ रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। एज अ रिजल्ट हम स्किन को डैमेज किए चले जाते हैं अनलेस अंटिल कि हम इसे रियलाइज करें या हमारे पास ऐसा कोई मीडियम है, उठ के लोग हाथ धो लेते हैं, अच्छा क्रीम लगा ली। अगर हम ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी कीप ऑन स्क्रैचिंग। एज अ रिजल्ट वो जगह लाल, इन्फ्लेम्ड, उसमें दाने, उसमें कुछ भी शुरू हो जाता है। और अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो वहाँ पर पीप के दाने, जी उस वक्त ये निकलता है पहले खून, उसके बाद पीप के दाने एक दो रोज़ में नज़र आने लगते तो हम उसको ख़राब करते जाते हैं। आइडिया ये है कि द मोमेंट आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है, अब सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें दिखाएं। यूजली जनरल प्रैक्टिशनर्स आपके घर के पास होते हैं तो अमूमन आप जाते हैं, वो आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट दे देते हैं और उसके बाद कोई क्रीम लगाने को दे दी। अच्छा, मौके पर तो बात संभल गई, लेकिन चूंकि जनरल प्रैक्टिशनर को अंदाज़ा नहीं है कि हो क्या रहा है और क्यों हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनको दिखाएँ। उनको जाकर जब आप रब्ता करेंगे, उनसे मिलेंगे, ऑब्वियसली लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत महंगे हैं, बहुत महंगी दवाइयाँ देते हैं, ये वो जो भी, एट द एंड ऑफ द डे हमारी दवाइयाँ कुछ रीजनेबल प्राइसेस की भी हैं और कुछ जो है वो एक्सपेंसिव भी हैं। लेकिन जो ये प्रॉब्लम जिसकी हम आज जिक्र कर रहे हैं एक्जिमा, ये कोई इतनी एक्सपेंसिव कोई मोडेलिटी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं, ऐसी क्रीम हो गई जो हमने देखा कि भाई क्यों है, और फोकस ऑफ इन्फेक्शन को रोकना ज़रूरी है। द प्रॉब्लम इज दैट के जो फोकस जिससे आपको ये लग रहा है या जहाँ से ये एक्टिवेट हुआ, रूट कॉज कहाँ है? मिसाल है कपड़े धो रहे थे तो आपको कपड़े धोने से रुकना है, अगर आपको वक्ती तौर पे, ठीक है, उसके लिए ग्लव्स पहन लें, आप बर्तन धो रहे थे, सेम गोज फॉर दैट। कोई कटिंग चॉपिंग खवातीन की जहाँ तक हम बात करें, इंडस्ट्रियल जो लोग इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोज होते हैं वहाँ ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्टिव ग्लव्स दिए जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो कई चीज़ों को हैंडल करते हैं, जैसे कपड़े की दुकान में कपड़े, जो लोग कारपेंटर होते हैं उनके आप देख लें कि किस तरह का डस्ट और कितना चीज़ें उनको एक्सपोज होती हैं, सीमेंट हैंडलर्स, फार्मर्स इन पर्टिकुलर, जो लोग हमारी डाई इंडस्ट्री और क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, जहां पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो लोग केमिकल्स हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो धूल मट्टी, इतने बड़े हाईवेज बना रहे हैं, कोई लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो देखें एक्सपोजर हर तरह का मौजूद है। इसमें भी है बहुत सारी किस्में, देखिए एक तो हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट, जो किसी के कॉन्टैक्ट से हो गया, और एक वो चीज़ होती है जो बॉडी खुद से अंदर से बिल्डअप कर रही होती है ड्यू टू एलर्जन। इसमें सबसे अंदरूनी खारिश एग्जैक्टली, और अंदरूनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो सिर्फ कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, उसमें रॉन्ग फूड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो खाना खाना शुरू कर दें जो आपको नहीं खाना चाहिए था, अगेन वो आपको बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट कर गया। जैसे कि कई लोगों को जिनको एक्जिमा होता है उन्हें कहा जाता है कि वो गर्म खाने जो हम इस्तलाहन घर में बोलते हैं, जैसे कि गाय का गोश्त हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, नट्स हो गए, अदरक हो गया, कन्फेक्शनरी आइटम्स, कलरफुल जो सब चीज़ें जो हमें बाहर मिल जाती हैं, जैसे बाहर के सारे प्रिपेयर्ड खाने, उन सब के अंदर ऐसे सॉल्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं कि जब एक्जिमा के पेशेंट को जैसे ही खाते हैं उसके 2-3 घंटे के बाद अंदर ही उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसे जो किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और ही कीप्स ऑन ईटिंग। जैसे अब आपने निहारी खाई गाय के गोश्त की, यू कैन इमेजिन कि अगले 3 घंटे आपके कितने इस्तराब में गुजरेंगे। अच्छा, आप लिंक नहीं मेंटेन कर पाते कि इस क्लू को आपस में जोड़ नहीं सकते, आपको पता भी नहीं होता है, कीप ऑन ईटिंग। अच्छा, मैं वो होता उस खाने की वजह से आपको ट्रिगर हुआ है, क्रिएट नहीं होता। इतना खाते उनको नहीं होती कोई खारिश?
उन्हें होती होगी, उनके भी डॉक्टर हैं। उनका कोई एक्जिमा नहीं है, वो टीवी में पता नहीं चलता वो प्राइवेटली डील हो जाता है। अच्छा चलो, ये हो गई खाने से रिलेटेड, जो कि आपकी यूं कह लीजिए कि एक्सटर्नली आपने कोई चीज इनटेक किया और उसकी वजह से इंटरनल रिएक्शन हो। बिल्कुल, मेकअप खवातीन में सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइज, हेयर ट्रीटमेंट, ये सैलून जाके केराटिन, हेयर स्ट्रेटनर के जितने भी ट्रीटमेंट है, सबसे ज्यादा हेयर डाई। मर्द हजरात आईब्रोज अपने मस्टैशेस बियर्ड को डाई करते हैं, अगेन वो पूरा चेहरा अपना खराब कर लेते हैं, पिगमेंटेशन, साथ में कितने आपको एलर्जीज, आपको कहना चाहिए खारिश होती है, पीप के दाने हो जाते हैं, एंड सेम गोज फॉर स्कैल्प, जब आप स्कैल्प में लगाएंगे तब भी यही होगा। तो ऐसे लोगों को हेयर डाई से इज्तनाब करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कहीं भी आप दाने या तकलीफ देखें उसको पाल के खराब ना करें, क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये तो हमने बात की एक्जिमा की, अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जैसे ही आपके पीप के दाने या कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, वो उस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से, जैसे आप के हाँ आग लगी और आप पेट्रोल डाल दें, उसका क्या हाल होगा, वो उसी तरह ऐसी ही कंडीशंस उनको प्रोवोक करती हैं, खराब करती हैं, और एज ए रिजल्ट वो इतनी बुरी हो जाती हैं कि उन्हें ठीक करना मुश्किल हो जाता है। सो आइडिया एंड आज के जो हम पॉडकास्ट पे जिस पे एक्जिमा पे बात कर रहे हैं, उसका टेक होम मैसेज ये है कि वेन एवर यू सी एनी इन्फ्लेमेशन, कोई रेडनेस, कोई खारिश, 1-3 दिन बहुत होते हैं, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके उसको वहीं ख़त्म करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी बेहतर होगा। दूसरा, ये एक और आखिरी चीज़ जो उसमें ऐड कर दूँ, बच्चों को भी ये बहुत होता है, उसमें हम इसे एटोपिक एक्जिमा कहते हैं, बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनको उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स उनके घर वाले लगाना शुरू करते हैं, वो उसे रिएक्ट करते हैं, सैनिटाइज़र लगाना शुरू कर देते हैं, कई वेट वाइप्स लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप स्किन पर केमिकल्स इस तरह के हार्श लगाएंगे, उतना ज़्यादा वो ख़राब होगा। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना पड़ता है, जैसे उनकी वीनिंग फूड का टाइम स्टार्ट हो उनको उसके उनसे उनकी डाइट डिस्कस करनी चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म काम है जिसमें आपके शैम्पूज भी मेडिकेटेड विदाउट परफ्यूम, आपका वॉश फेस और बॉडी विदाउट परफ्यूम, अलॉन्ग विद आपके मॉइस्चराइजर्स विदाउट परफ्यूम होंगे, और ऑन द टॉप जितना एक्जिमा होगा उस हिसाब से आपको डॉक्टर आपकी दवाई लिख के देगा, जो खाने या पीने वाली जैसे बच्चे या एडल्ट की है, और ऊपर टॉपिकली लगाने का तरीका कार है। ये ना समझें कि एक्जिमा कोई ओवर द नाइट जाने वाली चीज़ है, वो ओवर द नाइट आ जरूर सकती है, पर उसको जाने के लिए एक टाइम चाहिए। स्किन के ट्रीटमेंट एक पेशेंस चाहते हैं, और वो पेशेंस अगर डॉक्टर तो खैर बताता भी है, समझाता भी है, लेकिन अगर पेशेंट वो पेशेंस नहीं दिखाएगा तो वी विल एक्चुअली लूज द हियर द होल गेम ऑफ ट्रीटिंग द एक्जिमा और कंट्रोलिंग द एक्जिमा। फर्स्ट इज द कंट्रोल, देन कम्स द ट्रीटमेंट। यानी कि आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि वो जो खारिश है वो खारिश करने से नहीं जाएगी, सब्र करने से नहीं जाएगी, वो डॉक्टर के पास जाने से जाएगी। थैंक यू डॉक्टर नाजिया। थैंक यू।